गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था जलोढ़ मृदा, आज हम आपको बताएंगे काली मिट्टी। काली मृदा भी बोल देते हैं, मिट्टी भी बोल देते हैं। मिट्टी मैंने पहले बता दिया था, मिट्टी क्या होता है, भूमि की ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। उसमें से हमने पढ़ा था जलोढ़ मिट्टी, आज पढ़े हम काली मिट्टी। काली मिट्टी काली मिट्टी का मृदा का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी है। ये एक नंबर का कई बार क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगड़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, रेगड़। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, रेगड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, जीके का भी क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगड़ मिट्टी है। क्या है, रेगड़ मिट्टी। नंबर दो, काली मृदा का निर्माण काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके अंदर से जो पदार्थ निकलते हैं उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। नंबर तीन, काली मृदा में बहुत सारे खनिज विद्यमान होते हैं। इसमें क्या होता है, काली मृदा में बहुत सारे खनिज विद्यमान होते हैं। फोर्थ पॉइंट, काली मृदा बहुत उपजाऊ होती है। काली मृदा बहुत उपजाऊ होती है। फिफ्थ पॉइंट, यह कपास की कृषि के लिए उपयोगी होती है। नंबर छह,
इस मिट्टी को कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मृदा में चूना व लोह की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इस मृदा में क्या होता है, चूना व लोह की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इस मृदा में फॉस्फोरस व एल्युमिनियम की मात्रा कम होती है। फिर रिपीट करा रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनना एक बार। काली मृदा का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? रेगड़। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रेगड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके अंदर से जो पदार्थ निकलते हैं उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस काली मृदा में बहुत सारे खनिज विद्यमान होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा खनिज काली मिट्टी में पाए जाते हैं। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ होती है। काली मृदा बहुत उपजाऊ होती है। यह कपास की कृषि के लिए, कौन सी कृषि के लिए? कपास की कृषि के लिए उपयोगी होती है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है इस मिट्टी में? कपास। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, इस मिट्टी को कपास मृदा, कौन सी मृदा? कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मृदा के नाम से भी जाना जाता है? कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, गुजरात आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जो काली मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मृदा में क्या होता है? चूना व लोह की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मतलब इस मृदा में सबसे ज़्यादा चूना पदार्थ और लोहा पाया जाता है, और इस मृदा में फास्फोरस और एल्युमिनियम की मात्रा कम होती है। मतलब इसमें फास्फोरस और एल्युमिनियम की मात्रा क्या होती है? कम होती है। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।